प्रदेश में 6 दिसंबर को आयोजित हुई जेईएन भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक रूप से फांसी लगाकर बोर्ड से भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की और साथ ही एबीवीपी ने स्टूडेंट्स की मांगों का समर्थन किया और ऐसे में मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हर भर्ती में पेपर आउट होने की शिकायत मिलती है लेकिन बोर्ड विभाग कोई ध्यान नहीं देता। एबीवीपी छात्र नेता होशियार मीणा ने कहा कि राज्य सरकार भर्तियों को पारदर्शी तरीके से पूरा करवाए और साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं अभ्यर्थियों का ये भी कहना कि कई साल तक मेहनत कर भर्ती की तैयारी करते हैं लेकिन कुछ लोग पैसों के दम पर पेपर आउट कर परीक्षा में चयनित हो जाते हैं। ऐसे में पेपर रद्द नहीं करने पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन जेई नहीं, इस राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी हो रही है उन वैकेंसी के पेपर आउट होना और आउट के साथ में वो मार्केट में 20-20 लाख रुपए के सौदे की तरह बिकना, यहाँ गाजर मूली की तरह पेपर बेच रहे हैं। इस राजस्थान की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से इन छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालते हुए गरीब किसान का बेटा गाँव से पढ़ने आता है, वो 15-20 लाख रुपये का कर्ज होने के बाद में उसको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है और उसके सपनों के अरमान जब टूटते हैं जब मार्केट में पेपर आता है। आज अंदर के मन व्यथित होकर दुखी मन होकर कहता है कि वास्तव में सरकार का कोई जिम्मेदार उत्तरदायित्व नहीं मिलता। कल हमारे पास में कोई डेलीगेशन को मिलने के लिए नहीं आया। शर्म आनी चाहिए। 500 छात्र उस बोर्ड के बाहर खड़े रहे। हम